अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ अब मोटी वाली मिर्चें। एक्चुअली ये कड़वी नहीं होती हैं, तीखी नहीं होती हैं, ये मीठी सी होती हैं मिर्चें, और ये बहुत मज़े की बनती हैं। मैं आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। प्याज वैसे आपने पकाना है इसको जैसे आप लोग भिंडियाँ बनाते हैं ना, वैसे ही इसका मसाला रेडी करना है। सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सिर्फ ये मिर्चें, प्याज और टमाटर, बस। और इसके कुछ भी नहीं चाहिए। जब प्याज आपके नरम हो जाए उसके बाद आपने प्याज को आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, आप गोल्डन कर सकते हैं, आप पिंकिश कर सकते हैं, जिसको जिस हिसाब से पसंद है। बहरहाल मैं थोड़े से लाइट गोल्डन से करूँगी, उसका टेस्ट अच्छा आता है। और बस जितने में मैंने मिर्चें काटी हैं, मैं उतने में मैं फिर टमाटर मैंने काट लिए, फिर साथ साथ मैं सैलेड भी रेडी कर रही थी, क्योंकि सैलेड हमारी डाइट में ऐड हो चुका है और बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये मैं टमाटर काट ली थी, आप अपने मिर्चों के हिसाब से आप ले लीजिएगा। ये मेरा मीडियम टमाटर है, ये प्याज इस तरह के हो गए। इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया, फिर उसके अंदर मैंने कलौंजी ऐड की। कलौंजी मैं अपने हर खाने में डालती हूँ और सुन्नत भी है, आप लोग भी ज़रूर डाला करें। उसके बाद मैंने सूखे धनिया का पाउडर डाला, और ये मेरा एक स्पेशल इन्ग्रीडियंट है, और ये है अचार गोश्त का मसाला, और ये बहुत मज़ा आता है इस पर। आप लोग भी ये डाल के आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऊपर से सूखी कसूरी मेथी डाल दी, और इसको अच्छे से आप सोते कर दें। सोते जब आप करेंगे अच्छे से, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं ऐड किया, क्योंकि ऐसी चीज़ों में अगर ज़्यादा ऑयल हो जाए ना तो वो ज़्यादा मज़ा नहीं आता, वो चीज़ों में ज़्यादा ऑयल घुस जाता है। एनी हाउ, ये मैंने इसमें मिर्चें ऐड की हैं, और मिर्चें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, मिर्चें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। कवर करके आप रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आप दो घंटे के करीब आप पानी डाल दें इसमें, और ये उसी पानी में ये गल जाएंगी, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी थोड़ा छोड़ेंगे। मीनवाइल मैंने साथ सैलेड बना लिया था, और सैलेड के ऊपर मैंने प्याज, टमाटर और वो मिर्च मैंने आपके सामने काटी थी, इसके ऊपर नमक, काली मिर्च और लेमन स्क्वीज़ कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्सअप करके तो आप लोग इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। क्योंकि जहाँ जहाँ गर्मी है, पाकिस्तान में गर्मी है, यूएई में गर्मी है, सऊदीया में गर्मी है, बहुत से और ममालिक में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप लोग ये सैलेड ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मेरे मियाँ के दोस्त ने हमें बताया था कि ये वाला सैलेड बहुत अच्छा है गर्मियों में। और तुख मलंगा मैं साथ बनाऊँगी, हम दरअसल काम से आ रहे थे खाना लंच करने के लिए, ताकि क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है हमारी, तो मैं साथ तुख मलंगा ज़रूर बनाती हूँ, साथ कच्ची लस्सी उनके रोटी के साथ, और उनके लिए गरम गरम रोटी मैं बनाती हूँ। और कभी कभी मेरी रोटी भूल जाती है, कभी नहीं भूलती है, और ताज़ा आटा होना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होती है। ये था जी हमारा लंच। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।